मनोकामनावा पूरियां कर दिंदा बंदे दी। लो जी हुण आपां गुरु की हजूरी चाहे एक टीचा जिन्हें भी को बाबा को लाइव सुनदा को डेरेदार बाबा जी कराओ संपट पाठ जिनी समगरी चाहिए अं दें बंदी सिंह की रिहाई लई जिनी समगरी चाहिए असं इकट्ठी करके देवे जिहड़ी तुसीं विधि कहोगे वह विधि करो जो तुहानूं समगरी चाहिए अं दें ते करो अरदासा बंदी दे बंदी सिंह सारे रिहा हो के जिहड़ियां सजावां पूरियां करके जेलां च बैठे आ ता कि किसी सड़कों पर धरना ना लाना पवे करो क्योंकि तुहाडे ते संपट पाठ धीआं तो पुत बना सकदे बाबा ते रब धी देना चाहुंदा सी तुसीं पाठ करके धी तो पुत बनाता ये तो काम ही इत्थे सामना है। कराओ सरकारां दे ब्रेन चेंज सोच बदलो पर तुहानूं भी पता है इदां उच्ची बोलो जी नहीं हुंदा। जे गुरमीत राम रहीम उन्हूं परोल दे के अगले महीने दो महीनों बाद बाहर कढ़ दे ने सरकारां नूं भी इस बारे सोचना चाहिए कि 28-28, 30-30 साल जिन्हां दियां सजावां पूरियां होण तों बाद भी जेलां च बैठे ने। ते इक बेनती होर करां अज पंथ दे मखौटे जिन्हां लोकां ने पाए ने कदी समां सी सरकारां कहिंदियां सी बंदी सिंह रिहा कर दिए तुहाडे बहुते पंथक खवाउण वाले कहिंदे सी जे बाहर आ गए तो साडा वजूद नहीं रहना। मैनूं गड्डी च बहण तों पहलां पुछ लिओ वो कौन लोग सी क्योंकि सारिया गल्लां स्टेजां ते नहीं बोलियां जांदियां क्योंकि कईआं नूं फिर प्रॉब्लम होण लग पैंदी है। जिन्हां ने पंथ दे मखौटे पाए ने जिहड़े अज बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते इलैक्शनां दे भी दावे करदे ने कदी इन्हां ने लिख के दित्ते सन कि जे ये आ गए साडा वजूद कोई नहीं रहना। जिवें 84 दे विच असीं इक धिर नूं कसूरवार ठहराता अगलियां लैटर बाहर कढ दित्ते कि जे कांग्रेस कसूरवार है तो उन्नी कसूरवार तुहाडी पंथक पार्टी भी है जिन्हां ने उकसाया सी भी आओ साडे हत्थों बाहर हो गया काम हुण। पर गल यह भी असी बड़ी छेती इन्हां गल्लां नूं उच्ची बोल के दस्यो भुल जांदे क्योंकि भुलण दी सानूं बहुत छेती आदत है। नारे मरा मरा के जिन्हां ने उदों फैडरेशनां दे आगूआं ने मावां दे पुत मरवा दित्ते अज टिकटां पिछे लाड़ा सुटदे फिरदे पता ही है तुहानूं वो कौन लोग ने। कोई किसे लीडर को बैठा है कोई किसे लीडर के पैरों च बैठा है अज भी अखा मीट के विश्वास ना करो लिफाजे खजर में जहां सैकड़े राजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इत्थे धर्म की वर्दी हजारां डाकू तुरे फिरते ने बंदे जे माड़ा मोट समाज में भला चाहना पारखू बिरती रख दो चार दिन बंदे नूं परख फिर पिछे लगी अभी तो अखा मीट के जेड़ा आता कहने बल्ले बल्ले लो जी हुण पंथ चढ़दी कला च हो जाना है झूलते निशान रहने पंथ महाराज के अं तो आ नगर कीर्तन प्रभात फेरियां निकलदियां ने ना ढोलकी चिमटे छैने खड़कते ने मिट्टी धुंध जग चानण होवा सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा जदों वो किसी आ तांत्रिक ज्योतिषी पांधे की दुकान अगे वो नगर कीर्तन लंघता ना वो कहता आ जिहड़ा सब तो वध ढोलकी कुटदा ये मेरे को हाथ विखाउण आया सी परसों जी मैनूं भुख दसो आ जिहड़ा चिमटे की नेरी लैके आ रहा ना अपने धी दियां कुंडलियां मलाउंदा फिरदा सी मेरे कोलों परसों। हालात ये बने पए ने इत्थे वैद बीमार है रोगी तो होना होना है। गुरु साहब जी ने जो विचार बख्शिश की आ गुरु हर राय पातशाह का प्रकाश पुरब लंघे चार दिन पहला भारत देश का बादशाह शाहजहान उहदा बेटा दारा शिको उन्हूं औरंगजेब ने शेर की मुछ का वाल धोखे ना खवा दिता भी ये मर जाए तो मैं अपने पिता तो बाद तख्त का वारस मैं बन जावा क्योंकि गद्दियां बड़ा कुछ कराउंदियां रहियां। औरंगजेब एक जालम बादशाह सी जिन्हें अपने पिता शाहजहान भी जेल च बंद कर दिता तो अपने भरावां दे उत्ते भी कहर पाया सिर्फ गद्दी हासिल कर ली। दारा शिको बीमार हो गया शाहजहान बादशाह ने अपने वैदा नूं कोल बुलाया भारत देश का बादशाह अपने वैदा नूं पुछदा मेरे पुत्र का इलाज हो सकता है। बड़ा इलाज किया गल बनी ना कहिंदे जी इलाज हो सकता पर जो समान चाहिए वो इस भारत देश विच इक्को ही वैदखाना जिथों मिल सकता है वह किहड़ा है वो कीरतपुर साहब की धरती से गुरु हर राय पातशाह का वैदखाना है। सिखो माण होना चाहिए देश का बादशाह होवे ते उहदा पुत्र बीमार होवे ते उहदे
वैद गुरु हर राय पातशाह के कोल आउण ते गुरु हर राय पातशाह अपने वैदां नूं कहण जो जो इन्हां नूं समान चाहिए इन्हां नूं दिओ। जिदन दारा सिको ठीक हुंदा है धन्नवाद करन वास्ते गुरु पातशाह दा आउंदा है ते अज ओ गुरु दे सिख ये जी गोड्यां दा ऑपरेशन फ्री करदे आ ये पत्थरी बाहर कढ दिंदे आ ये बच्चियां दीआं फीसां तार दिंदे आ भजे फिरदे आ दूजियां कोल